दोस्तों धन्नो बन गई है, मतलब मेरी बाइक कंप्लीट है, रेडी है, चलने को तैयार है। तो अब निकलते हैं आपके लिए ब्लॉग बनाने। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका प्रकाश डॉट पी ब्लॉग्स पे और मैं हूं आपका होस्ट प्रकाश। दोस्तों आज मैं पहुंच चुका हूं लार रोड, जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये लार रोड रेलवे स्टेशन है और यहां पे यहीं के ठीक थोड़ी दूर पे एक बाबा का स्थान है, बहुत फेमस बाबा हैं, देवराहा बाबा इनका नाम है और इनके बारे में आस्था है, इनके बारे में लोगों का कहना है कि ये इन्होंने अपने जीवन को 500-600 साल जिया है। तो आज हम इनकी जन्मभूमि पे, इनकी मतलब कि जो स्थान है जहाँ पे इन्होंने सिद्धियाँ प्राप्त की, तपस्या की, वहाँ आज हम पहुँचने वाले हैं। तो चलिए आज आपको हम यहाँ पे ले चलते हैं और मैं स्टेशन पे यहाँ पे लाल रोड पे खड़ा हूँ। यहाँ से आगे की यात्रा देखते हैं जो साधन है। दोस्तों इस स्टेशन की ख़ास बात यह है कि यहाँ पे ब्रह्म ऋषि देवराहा बाबा का एक फ़ोटो फ्रेम है जिसे आप दीवार पे यहाँ लगे हुए देख सकते हैं। ये लार का रेलवे स्टेशन है। दोस्तों यहाँ का विश्रामालय है, यानी कि वेटिंग एरिया है और लार रोड का। आइए हम लोग बाहर चलते हैं। लार रोड रेलवे स्टेशन को आप अगर बाहर से देखेंगे तो ये बिल्कुल मंदिर यानी कि टेंपल जैसा ही बाहर से दिखता है। दोस्तों अभी हम लार रोड जो है रेलवे स्टेशन वहाँ से 8 किलोमीटर आगे की तरफ आए हैं और यहाँ पे एक चौराहा है जिसे मैल चौराहा कहते हैं, वहाँ पहुँच गए। वहाँ से और थोड़ी दूर हमें आगे जाना है, पूछते हैं किस डायरेक्शन में जाना है। यहाँ पे एक फल वाले हैं, उनसे फल भी लेते हैं और पूछ भी लेते हैं कि किस डायरेक्शन में हमें आगे जाना है। देवराहा जो बाबा है, यहाँ से कितने किलोमीटर हम लोग यहाँ से आप यहाँ चले गए हरियाणा 1 किलोमीटर यहाँ यहाँ पर सांगो बिता हुआ इतनी सांगो बिता हुआ ना जमा चलता पानी तो है भैया जाने में, मतलब रस्ते पे पानी है और पानी इतना है, इतना पानी चार घंटा पानी किलोमीटर है। वैसे इतने पड़ेगा कुछ 50 यहाँ से कुछ फल लेंगे, फल लेने के बाद आगे बढ़ेंगे। जैसा कि सुनने में आया है कि बाबा तक पहुँचने के लिए, उनके स्थान तक पहुँचने के लिए इतना इतना पानी भरा हुआ है। देखते हैं गॉड नोस कैसे जाएंगे। दोस्तों नरियाव होते हुए हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं जहाँ पे देवराहा बाबा का स्थान है और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये बड़ा सा गेट जो है ये मेन एंट्रेंस है वहाँ तक पहुँचने का। लेकिन आगे चलते हैं, देखते हैं इस
रास्ते से होके हमें जाना है, तो आगे चलिए साथ साथ। दोस्तों हम लोग मतलब अभी तक पहुंच चुके हैं जहां पे हमारा देवराहा बाबा का मुख्य स्थान है, वहां पहुंच चुके हैं और बिल्कुल ठीक जो फ्रंट गेट है इनका वहां पे खड़े हैं। और यहां पे ऊपर के साइड अगर आप देख सकें तो लिखा है भूपति महर्षि योगी योगीरा श्री देवराहा बाबा आश्रम सरयू तट मैल देवरिया। तो ये सरयू नदी के तट पे बना हुआ आश्रम है, बाबा ने यहाँ पे साधना की सिद्धियाँ प्राप्त की हैं इस नदी के किनारे। और चलिए थोड़ा और ही मतलब करीब से चल के यहाँ के दर्शन का लाभ लिया जाए और बाबा का आशीर्वाद लिया जाए। दोस्तों आप ये जो देख रहे हैं ये कल्प वृक्ष है जिसके नीचे बैठ के बाबा ने तपस्या की है।